हेलो दोस्तों, आपके सामने एक और मैं वीडियो लेके आया हूँ मैथ की प्रैक्टिस की। जैसे कि मैं आपके सामने मैथ की जो श्रृंखला ला रहा था पूरी, जो भी मैंने मैथ्स की सारी प्रैक्टिस लाया हूँ, नंबर सिस्टम का टॉपिक लिया था जिसमें प्रैक्टिस नंबर 1 और प्रैक्टिस नंबर 2 मैंने आपके लिए जो क्लास दे दी थी, आज ये क्लास नंबर 2 है प्रैक्टिस की। ठीक है, तो इसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि नंबर सिस्टम के होंगे और जो सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये सुपर टेट एग्ज़ाम के साथ साथ यूपी टेट और सी टेट में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और सुपर टेट में भी आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैंने उन्हीं को ही लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था। ठीक है, इसमें दे रखा है किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। मतलब कि अगर कोई नंबर है उसको मैंने अगर 342 से भाग दिया तो जो रिमाइंडर आया वो आया 47। ठीक है, इसमें तो रिमाइंडर 47 है, अगर उसी नंबर को हम 18 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा। हम उसका रिमाइंडर जानने के लिए हम उससे नंबर से भाग नहीं देंगे, जो रिमाइंडर आया है वो आया तो इसी नंबर से ही है ना, तो हम उस 47 को उस 18 से भाग दे देंगे। तो 18 दूनी 36 और 4 और 7 11, तो इसमें बचेगा रिमाइंडर 11। ठीक है, उसी नंबर को मतलब 47 को 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 11 आएगा। मतलब कि अगर हम 18 कोई नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, उसको 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 11 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन को ऐसे समझ लेते हैं। इसमें बेस्ट ट्रिक यही होती है, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 आया तो हम जो बाद में जो नंबर दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है, तो शेषफल से ही उसी संख्या का भाग दे देते हैं और रिमाइंडर वही आ जाता है आंसर। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर को 2 लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है, किसी संख्या के 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है तो उत्तर उसी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक आता है, तो वह संख्या होगी। मतलब कि कोई संख्या ली, उसके 6 गुने में 5 घटाया जाता है। ठीक है, 5 घटा दिया। ठीक है, तो उसी संख्या के 2 गुने में, तो वह उसी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। ठीक है, तो वह उसी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 6x-5 2x+7। ठीक है, ये आ जाएगा, इसमें क्या दे रखा, 4x, ये हो जाएगा। ठीक है, और 7 5 12, x बराबर हो जाएगा 3। इसमें दे रखा, हमें क्वेश्चन को समझना होगा, इक्वेशन बनानी होती है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें क्या दे रखा, किसी संख्या, मान हमने कोई संख्या मान ली x, उसी संख्या के 6 गुने, गुना का मतलब गुणा, उस संख्या के 6 गुने में 5 घटा दिया। ठीक है, 5 घटा दिया, तो उत्तर जो भी उत्तर आया, इस संख्या को सॉल्व करेंगे, जो भी उत्तर आया उसी संख्या, मतलब जो संख्या मानी थी x के 2 गुने से 7 अधिक है, ये इक्वेशन बनी और ये इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं और इनको इक्वेशन बनाना पड़ती है, केवल क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रखा है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब हम डायरेक्ट करेंगे तो इसमें क्या शेषफल आया था, 39 से 17 का भाग देंगे, 17 दूनी 34, तो रिमाइंडर क्या आया, 34 5 39, रिमाइंडर आया 5। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। माफ़ी चाहूँगा, आज गला बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना होता, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें इसमें याद रखना होता है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना होगा, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल
40 है, तो हम क्वेश्चन को लास्ट में देखेंगे। इसमें शेषफल दे रखा है, मतलब एक चीज हमें पता है, शेषफल दे रखा है 40। ठीक है, अब हमें इसमें इक्वेशन बनानी होती है। इसमें क्या दे रखा है, भाजक भाग फल का 5 गुना है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, भाजक भागफल का 5 गुना है, और दूसरी क्वेश्चन क्या दे रखा है, और शेष फल का 2 गुना है, मतलब कि भाजक ही है, शेष फल का 2 गुना है। ठीक है, अब इसमें शेष फल क्या दे रखा है, 40 × 2, मतलब कि 80 आ गया भाजक, और बराबर में भागफल 5। ठीक है, अब इसको इससे काट देंगे तो भागफल आ जाएगा 5 × 5, 5 × 31, भागफल आ गया 16, भाजक आ गया 80, और शेषफल 3 दे रखा था, तो हमें इसमें भाज जैसे पता चल जाएगा। अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, भाजक कितना दे रखा, 80 × 16 प्लस 40। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें गुणा कर देंगे, 16 × 8 128, 128 या 1280 प्लस 40 कितना हो गया, 1320, ये इसका भाज्य निकल आएगा। इसमें मेन यही होता है कि ये फार्मूला याद होना चाहिए, हम ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम में फार्मूला भूल जाते हैं। ठीक है, मैं भी भूल जाता था, लेकिन मैं जब इस क्वेश्चन को आता है तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेता हूँ और इसमें इक्वेशन बनाता हूँ। ठीक है, जो ये इक्वेशन है, जो इक्वेशन दे रखी होती हैं, इनको इक्वेशन को बनाना होता है। इसमें एक नंबर पूरा दिया रहता है, कोई भी नंबर दे रखा हो, चाहे इसमें भाज्य दे रखा हो, चाहे भाजक या भागफल कुछ भी पूछा हो, एक एक न एक चीज़ दे रखी होगी और इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कराया गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर, कोई नंबर है उसको 5 से भाग देने पर शेषफल आता है 3। उसी संख्या के वर्ग को, उसी नंबर के वर्ग को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा। अब हमें क्या करना होता है, सीधा सीधा और शेषफल है उसका वर्ग कर देंगे और 5 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 4। बस इस नंबर को, अब ये नंबर जो एन मानिए, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें जो रिमाइंडर दे रखा है उसी के वर्ग को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। हम इस प्रकार के क्वेश्चन को काफ़ी कर चुके हैं, इसमें एक वर्ग वाला दे रखा तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट का, यूपी टेट के पुराने एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लड़के को 2 की घात 5 और 9 की घात 2 लिखने को कहा जाता है। एक लड़का था, उसने 2 की घात 5 और 9 की घात 2 लिखने को कहा गया, बट उसने गलती से 2592 लिख दिया। अब इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है एग्जामिनर ने, 2 की घात 5 और 9 की घात 2 तथा 9592 के मानों में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, इसमें दोनों में अंतर डिफरेंस पूछा है हमें, कोई बात नहीं। एक तो इसमें क्या है, हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, 32 × 81। ठीक है, इसमें इससे गुणा करेंगे 2 आ रहा है, इससे दो गुणा करेंगे 2, मतलब कि लास्ट लास्ट 2 आ रहा है तो इसका अंतर आना चाहिए लास्ट का 0, मतलब कि इसमें डिफरेंस आना चाहिए 0। फिर भी हम एक बार इससे गुणा कर लेते हैं, 81 को 32 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 × 8 × 16, ठीक है, गुणा आप करते ही होंगे। ठीक है, 3 × 3 = 3, 8 = 24, तो इसमें क्या दे रखा, 2952। अरे ये तो वही आ गया, चलो ये पूरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, 2592 2592, तो इसमें आया डिफरेंस, अंतर आया, डिफरेंस को हिंदी में अंतर कहते हैं, अंतर आया 0। वैसे तो मैंने ये यूनिट डिजिट से ही कर दिया, अगर यूनिट डिजिट से ना आए तो हम इसको ऐसे गुणा करके कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉजिकली क्वेश्चन था, हमें समझ के करना होता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। अच्छा, वही संख्या प्राप्त होती है तो अभीष्ट संख्या ज्ञात कीजिए। तो 75 क्या होता है, 75/100,
75 बराबर एक्स, 25 नहीं है, 75 25 चौके 100, तो 75 आ जाएगा 3x बटे 4 प्लस 75 बराबर एक्स। अब 75 ये हो जाएगा इधर x माइनस 3x बटे 4, ये एलसीएम लेंगे तो 75 में ये 4x हो जाएगा, 1 बटे एक्स बटे 4 बचेगा। इसको अगर इसमें गुणा करेंगे 75 चौके 75 दूनी 150 और चौके 300, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ये भी लॉजिकली क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम का था, छोटे एग्जाम में यूपी टेट ये शायद सी टेट में पूछा हुआ था, पेपर 1 में। ठीक है, मैंने ये ले लिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी वही है, इसमें मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख दिया है। ये भी थोड़ा उसमें ही है, इक्वेशन बनानी पड़ती है। एक भाग की एक क्रिया में शेषफल 6 है, इसमें शेषफल पहले ही दे रखा 6 है, तो हम शेषफल लिख लेंगे 6। भाजक भागफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना है। ठीक है भाई, 5 गुना कर देंगे, भाजक भागफल का 5 गुना है। यदि भाजक शेषफल के 3 गुने में, भाजक शेषफल के 3 गुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। अच्छा, तो इसमें क्या है, शेषफल क्या दे रखा, 6 है। ठीक है, 6 दे रखा, तो भाजक कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, भाजक 6 3 18 2 20, भाजक निकला 20, तो 20 बराबर भागफल इंटू 5, तो भागफल आ जाएगा इसमें 5 चौके 20, ये हो जाएगा भागफल, आ जाएगा 4। भाजक आया 20, शेषफल है 6, भागफल है 4। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा पुट कर देंगे। अब तो क्या है, सीधा सीधा आंसर निकालना है। 20 दे रखा है भाजक, ठीक है, इंटू भागफल दे रखा 4 प्लस 6, 20 चौके 80 और 1 86, ये आ गया भाज्य। और क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करके दा एंड कर देंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको कोई डाउट होता हो, कोई डाउट आए, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, पूछ लेगा, मैं आपको पूरा क्वेश्चन फिर से समझा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही बेस्ट तरीका है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब किसी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, अच्छा कोई संख्या ले ली, ठीक है ले ली भाई, उसमें 6 जोड़ा जाता है तथा योग को 8 से गुणा किया जाता है, ठीक है, तो वही परिणाम प्राप्त होता है। जब 26 को 10 गुना किया जाता है, अच्छा, तथा प्राप्त परिणाम में 12 जोड़ा जाता है, ये तो बड़ा अजीब है। ठीक है, करते हैं, 6x + 8 6 48, 260 प्लस 12, बढ़िया है भाई, 48, और ये आ गया 272। इसमें 48 घटा दें, कितना बचेगा, 4 बचा, 6 में से 2 2, तो 6x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये से काटेंगे, 6 6 6 3 18, ठीक है, और 18 4, ये यहाँ पे 8 बचेगा, सॉरी ये यहाँ पे 8 होगा, तो ये होगा 8 2 16 और 6 8 2 64, आंसर आ जाएगा 28। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जब किसी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, कोई संख्या मान ली x, मतलब लेट हमने कोई संख्या x मान ली, उसमें 6 जोड़ा जाता है तथा योग, यही योग होगा x प्लस 6, ये योग कहा जाएगा ना, इसमें 8 का गुणा किया जाता है, कर दिया, तो वह प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम को 26 को 10 गुना किया जाता है और प्राप्त परिणाम में 12 जोड़ दिया जाता है, इसके परिणाम में 12 जोड़ दिया। ठीक है, और क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन को इस प्रकार के ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, चार बार पढ़िए,
जब तक समझ में नहीं आता क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। जब क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आपको डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है आप मुझसे भेजिएगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसमें क्या दे रखा है, 8 की घात 20 × 5, 15 की घात 24 × 17 की घात 15। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है। कोई बात नहीं, ये आठ आठ है ना तो इसका क्यूब कर देंगे, 2 × 4 × 8, 2 2 दे, अरे ऐसे 2 × 4 × 8, 2 2 की घात 3, 20, ठीक है। इसको तोड़ेंगे 5 × 3 में तो 24 × 17, 17 कोई जुड़ेगा नहीं, ये अभाज्य है, अभाज्य ठीक है नंबर है। तो ये हो जाएगा 2 की घात, गुणा में घाते हैं ये, इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा, इंटू 5 की घात 24 × 3 की घात 24 × 17 की घात 15। अब अभाज्य गुणनखंड जो भी होते हैं ना, पी की घात एक्स इंटू क्यू आर इंटू एक्स, पी क्यू आर एक्स, एक्स बाई जेड ए, तो जो इनके अभाज्य गुणनखंड होंगे ना तो इसमें जो पावर होती है एक्स प्लस बाई प्लस जेड प्लस ए, इनको जोड़ देते हैं वही इनका अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल आती है। तो इसमें क्या दे रखा है, 60 24 24 15, तो 60 24 24 15, तो ये 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मैं ऐसे जोड़ता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे जोड़ दे रहा हूँ आपको सिंपल से बताने के लिए। तो 4 4 8 5 13 की 3 यहाँ से लगी है, 6 4 10 11 12, तो 123 गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करेंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और मैं ऐसे ही आपके लिए नेक्स्ट अब चैप्टर लूँगा परसेंटेज। वैसे परसेंटेज के लिए मैंने पहले से ही बोला था आपको, लेकिन उसके नोट्स मैं तैयार नहीं कर पाया, उसके अब बिल्कुल रेडी हैं एकदम परफेक्ट। मैं आपको बेस्ट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊँगा बेस्ट, और जो भी मिक्स प्रैक्टिस भी आपके लिए लेके आऊँगा सुपर टेट के लिए। उसमें क्या रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के। इसमें क्या हो जाएगा, जब तक आप सुपर टेट का पेपर देने जाएंगे ना, आप 20 में से 20 करके आएंगे मेरे साथ। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए मैथ की, मैं आपके लिए 20 में से 20 करा के दिखाऊंगा। आप अगर 20 में से 20 करके ना आए ना तो मुझे बोलिएगा, ठीक है, मैं आपके 20 में से 20 करा के दिखाऊंगा पूरे टोटल सुपर टेट में। चलिए वीडियो को यहीं का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट मिलता है मुझे। धन्यवाद।